दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के अंदर 3.5 mm का जो पोर्ट है वो नहीं है, वो कंपनी ने नहीं दिया या फिर वो ख़राब हो गया है, तो आप उसमें गाने कैसे सुनें? आप अपने जो नॉर्मल हेडफोन्स वगैरह हैं उसमें कैसे लगाएं? आप अपने स्पीकर वगैरह को कैसे कनेक्ट करें? और अपने OTG केबल के जरिए आप ये सब कैसे कर सकते हैं? तो ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ दिवेश और वेलकम टू टेक्निकल गुरुदेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक OTG कनेक्टर। मैंने ये सैमसंग का OTG कनेक्टर ले रखा है। आप चाहें तो एक अमेजन से लोकल भी खरीद सकते हैं, आपको 100 से 150 के अंदर आपको मिल जाएगा और वो भी एक अच्छा काम करता है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे फ़ोन्स वगैरह में ये हेडफोन जैक वगैरह नहीं आ रहा है, तो आप इसमें अपना एयरफोन वगैरह नहीं लगा सकते। और ऐसा एप्पल के आईफोन 7 में नहीं, बहुत सारे एंड्रॉयड मोबाइल में भी ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, गाने कैसे सुनें? तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि आपको एक OTG कनेक्टर लेना है पहले। और OTG कनेक्टर आपका सिर्फ गाने सुनने में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए काम आएगा। तो आप इसको अपने फ़ोन में लगाएंगे। उसके बाद आपको एक आप सस्ता सा ये ले सकते हैं, 100-150 रुपये का ये आता है साउंड कार्ड, और ये आपको और भी कई जगह काम करेगा। जैसे कि आप अपने PC में भी लगा सकते हैं इसको, और PC में जैसे आपका अगर हेडफोन जैक वगैरह वो ख़राब है तो आप उसमें भी लगा के गाने सुन सकते हैं। तो इसको जिस कहीं भी आप USB में कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको करेंगे OTG में कनेक्ट। ओके, उसके बाद आप इसमें कोई भी जो भी आपकी नॉर्मल हेडफोन वगैरह हैं आप यहाँ लगाइए, और आप यहाँ पे माइक भी लगा सकते हैं, अलग से एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। तो अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप आराम से जैसे आप नॉर्मली गाने सुनते हैं आप ऐसे गाने सुन सकते हैं। देखिए, मैं इसमें लगा देता हूँ, और अगर हम गाने प्ले करते हैं, तो देखिए इसमें आवाज़ आ रही है और अच्छी आवाज़ आ रही है। मैं आपको आवाज़ थोड़ी तेज करके सुना देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, ऐसे OTG के जरिए आप इसमें और भी कई चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। आप माउस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, और आप और भी कई चीज़ें होती हैं, फ़ैन वगैरह आती हैं, वो सब चीज़ें भी आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सपोर्टर्स इंडिया, थैंक यू।